नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर अशोक नगर और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र बदौलिया। आप हमारे यूट्यूब चैनल एसआर अशोक नगर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही इस पर आने वाले वीडियो को अगर आप जल्द देखना चाहते हैं तो इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी देवेंद्र तामकार पर सिंगरौली के माड़ा थाने में दर्ज हुए बलात्कार के मामले में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने कार्यकर्ता के पक्ष में किए जा रहे प्रयासों से दलित नेता एवं बहुजन समाज पार्टी की पदाधिकारी बाबूलाल दैलवार दलित महिला के पक्ष में सामने आए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने भाजपा के इस मामले में किए जा रहे कार्यों को दलित एवं महिला विरोधी बताया है। उन्होंने कहना है कि बीजेपी द्वारा दलित महिला के आबरू के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस मामले पर हो रही राजनीति की उन्होंने निंदा की है। बसपा नेता ने कहा कि जरूरत पड़ी तो उनकी पार्टी इस मुद्दे पर आंदोलन कर सकती है। 5 विधायकों द्वारा की जा रही जांच पर सवाल उठाते हुए उन्होंने पूछा कि क्या भाजपा पीड़ित दलित महिला से मिली क्या। साथ ही दैलवार ने इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि इसमें जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। दैलवार द्वारा मीडिया को दी जानकारी के मुताबिक इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जिस तरह से मीडिया प्रभारी का बचाव किया है उससे भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा उजागर हो गया है। पार्टी के नारी सम्मान और अस्मिता की दावों की पोल खुल गई है एवं भाजपा का असली चेहरा मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। देवेंद्र तामकार को बचाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, राज्यसभा सांसद प्रभात झा, प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पारासर आदि नेता खुलकर प्रकरण को झूठा बताने पर तुले हैं। यह सरासर पीड़ित महिला के साथ हुए अपराध के बाद उसका अपमान करना है। पूरे प्रकरण से भारतीय जनता पार्टी का महिला एवं दलित विरोधी चेहरा उजागर हो गया है। बसपा नेता श्री दैलवार ने बताया कि न केवल अशोक नगर का मामला बल्कि देश भर में महिला अपराधों एवं उनके साथ बलात्कार करने के मामले में बीजेपी के नेता अब्बल रहे हैं और इसी का नतीजा है कि भाजपा के नेता पीड़ित महिला के प्रति सहानुभूति एवं उसको न्याय दिलाने की जगह अपने मीडिया प्रभारी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बसपा नेता श्री दैलवार ने कहा कि यह मामला अभी न्यायालय में है और इस मुद्दे पर पीड़ित महिला न्यायालयीन कथन भी दे चुकी है। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को देश की न्यायपालिका पर कतई विश्वास नहीं है। वह सड़क पर इस प्रकरण का फैसला करने की बात कर रहे हैं। यह सरासर न्यायालय की अवमानना का मामला है। दलित महिला के साथ हुए अन्याय एवं अत्याचार के बावजूद भारतीय जनता पार्टी जिस तरह उस महिला का अपमान कर रही है एवं अपने आरोपी नेता को बचाने की कोशिश कर रही है उसको लेकर संपूर्ण दलित समाज में रोष है। अगर बीजेपी ने इस मुद्दे पर राजनीति करने की कोशिश की तो मजबूरन दलित समाज को ही पीड़ित महिला के समर्थन में सड़कों पर आना पड़ेगा। प्रेस वार्ता 31 तारीख को असुनर एक दलित महिला शंकर कॉलोनी में निवास करती, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी द्वारा बहला फुसलाकर उसके साथ जो भी कृत किया है वो उस पर प्रकरण दर्ज हुआ है। प्रकरण की प्रक्रिया जारी है। 164 के बयान हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र सामने आया है। एक बार दलित प्रेम करते हैं जो अभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 6 लोगों की एक सदस्य है एक टीम गठित की है। मैं उन माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी भी आ रहे हैं, ऐसा मैंने मीडिया सोशल मीडिया पर देखा है। 12 बजे के लगभग यदि वे दलित प्रेमी हैं और दलित महिला की इज्जत आवरू की बात करते हैं तो उनको क्या वो दलित महिला के घर गए उससे जानकारी ली या मीडिया प्रभारी ठीक है कि नहीं, क्योंकि उनका तो चरित्र चाहे वो आसाराम बापू हों जो मैंने तमाम प्रकार का उनका चरित्र भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री जसोदा बहन से लेकर तमाम प्रकार का महिलाओं के प्रति उनका उत्पीड़न का कार्य वो जो ये तो एक दिखावा है। इस दिखावे से भारतीय जनता पार्टी को हमारी दलित महिला की इज्जत आवरू उछालने का काम कल सड़क के माध्यम से कर रहे हैं। यदि ऐसा उन्होंने किया है करते हैं तो हम भी बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से या सामाजिक संगठनों के माध्यम से हम उनके लिए आंदोलन करेंगे।